क्या आप अपने क्लाइंट्स के लिए एसईओ कर रहे हैं? अगर हाँ, और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ये गूगल का जो अभी अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपके, हो सकता है जो क्लाइंट्स का आप एसईओ करने वाले हो या कर चुके हो, उनका पूरा एसईओ खराब हो जाए, उनकी रैंकिंग्स डाउन हो जाए, और जिस तरह से आप कॉन्टेंट लिखते आ रहे हो ये पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ गूगल्स हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। भाई हर जगह इसकी बात हो रही है और ज़्यादातर लोग ना परेशान हो रहे हैं। जो लोग AI टूल्स को यूज़ करके ना कंटेंट लिखा करते थे, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार अब उनके कंटेंट को कैसे रैंकिंग कैसे इम्प्रूव होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में, बहुत ही क्विक वीडियो होने वाली है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा गूगल का अपडेट आया है, उस अपडेट से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और ये किसके लिए है, मतलब कौन से लोगों को इस चीज़ का इफेक्ट बहुत पड़ने वाला है और क्यों आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं गूगल के हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, अभी ये जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया है ये थर्सडे 18th अगस्त, अभी 18th अगस्त को पब्लिश हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन बात हो रही है वो हो रही है फोकस ऑन पीपल्स फर्स्ट कॉन्टेंट। मतलब कि गूगल, जैसे हमेशा की तरह हम सब जानते हैं, गूगल उसी कंटेंट को प्रमोट करता है ना जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो लोगों के लिए उनके मतलब काम का हो, मतलब ज़रूरत का कंटेंट हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग से क्या है, हम लोग जब भी कंटेंट लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं तो खास करके कंटेंट में ऐसे बनाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो कंटेंट कंज्यूम करेगा वो एंड यूज़र कौन है। वो हम भूल जाते हैं कि हमारा कंटेंट एक ह्यूमन कंज्यूम करने वाला है, ना कि कोई एल्गोरिथम, कोई मशीन। ठीक है, तो हम कई बार कंटेंट ऐसा लिखने लगते हैं उसमें कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग LSI कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं अलग तरह से, जो हेडलाइंस को नहीं भी बनाना चाहिए, जो पैराग्राफ्स को नहीं भी डालना चाहिए वो भी हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गूगल का अपडेट आया है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इस अपडेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके आप पढ़ सकते हो। बट इन शॉर्ट क्रिस्प अगर मैं बात करूँ तो बात होती है गूगल का, यहाँ मेन कहना है कि गूगल अब उन्हीं तरीके के कंटेंट को रैंक करेगा जो हेल्पफुल हैं, या फिर वो कंटेंट जो किसी एक्सपर्ट ने लिखे हैं। एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ मैं, कि मैंने एक कंटेंट लिखा डेंटल इम्प्लांट्स पे, एक डेंटिस्ट की वेबसाइट है, मैंने डेंटल इम्प्लांट्स पे कंटेंट लिखा। ठीक है, अब हो सकता है मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने 10-15 इधर उधर से ब्लॉग पढ़े और मैंने कुछ अपने वर्ड्स में बना के, और मुझको SEO का नॉलेज है काफ़ी टाइम से, और मैंने SEO उठाया और बना के मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कंटेंट बना के डाल देता हूँ, मतलब मुझको उस चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं है, बट मैं कंटेंट लिख रहा हूँ क्योंकि एज अ कंटेंट राइटर, एज अ SEO बंदा जो मैं भी कर रहा हूँ, कि मेरा काम ये करना है तो मैं उसको कर देता हूँ, बट मेरे पास कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज नहीं है उस फील्ड में। तो इस तरह के कंटेंट को, इस तरह से जो कंटेंट लिखा जा रहा है, चाहे किसी ह्यूमन के थ्रू चाहे किसी टूल के थ्रू, उसको गूगल ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा, उसको रैंक नहीं करेगा। मतलब कि उसका सिंपल सा कहना है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो सिर्फ SEO के लिए ही लिखा गया हो, सिर्फ SEO के लिए, मतलब वो हेल्पफुल नहीं है, उसको वो रैंक नहीं करेगा। और ये मतलब जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे अभी यूट्यूब वीडियोज़ बन चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज़ इस पर बने हुए हैं, तो मैंने भी अभी देखा है, मैंने भी अपडेट पढ़ा और मुझको भी बहुत सी चीज़ समझ में आई। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे AI टूल्स के थ्रू कंटेंट लिखा था, बहुत सारे चीज़ों को यूज़ किया था। ठीक है, तो इफेक्ट पड़ने वाला है, बट वहाँ पे भी अगर AI टूल्स ने ऐसा कंटेंट लिखा है जो ह्यूमंस के लिए या लोगों के लिए हेल्पफुल है, उनके लिए एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है, वो मतलब एट द एंड यूज़र जाके अगर पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ उसकी हेल्प हुई है, वो जो चीज़ ढूंढने जा रहा था वो मिल रहा है, तो हो सकता है AI उससे लिखा वाला कंटेंट भी रैंक करे। बट अगर वो सिर्फ इसलिए लिखा गया, ये पर्पस है लिखने का कि उसको बस किसी तरीके से रैंक करा दिया जाए, तो शायद उसकी रैंकिंग अभी धीमे धीमे डाउन हो जाएगी। और मेरा यहाँ पे सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बातें करी गई हैं, जो भी मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जैसे लिखा है कि किसी भी तरीके का अगर आप एक्सटेंसिव ऑटोमेशन टू प्रोड्यूस कॉन्टेंट ऑन मेनी टॉपिक्स, अगर कुछ इस तरह का आप कर रहे हो, आर यू मेनली समराइजिंग वॉट अदर्स हैव टू से विदाउट एडिंग मच वैल्यू, यही जो मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने 10-15 कॉन्टेंट पढ़ा और ये आपने उठा के अपने मन से पढ़ के एक समराइज करके बना दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं एडिशन किया है आपने। ठीक है,
आर यू राइटिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड काउंट बिकॉज यू हर्ड और रेड दैट गूगल हैज प्रिफर्ड वर्ड काउंट, ब्रैकेट में लिखा है नो वी डोंट। ठीक है, अब ये ना SEO की जो नए नए बंदे ना वो पढ़ लेते हैं कि भाई मिनिमम तो 1500 वर्ड का होना चाहिए, मिनिमम 2000 वर्ड का कंटेंट होना ही चाहिए। तो गूगल ने क्लियर बोल दिया कि कहीं से आपने अगर सुना है कि मिनिमम वर्ड काउंट के हिसाब से आप लिख रहे हो कंटेंट, क्योंकि आपने कहीं से सुन लिया है कि गूगल में इतना ही चलता है, तो ये सब दिक्कत आने वाली है। ठीक है, डिड यू डिसाइड टू एंटर सम निश टॉपिक्स एरिया विदाउट रियल एक्सपर्टीज बट इंस्टेड मेनली बिकॉज यू थॉट यूड गेट सर्च ट्रैफिक। वही मैंने बात करी कि आपको रियल एक्सपीरियंस रियल एक्सपर्टीज नहीं है। मैं डिजिटल मार्केटिंग का हूँ, मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, मुझको एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है, बट मैं अगर कोई ऐसी चीज पे कॉन्टेंट लिख रहा हूँ जिस पर मुझे एक्सपर्टीज नहीं है और मैं चाहता हूँ इसलिए लिख दूँ कि मुझे वहाँ पर सर्चेस मिल जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग पर बना रहा हूँ, कल का मैं ऐप डेवलपमेंट AI पे, AI में कोई नई चीज़ आ गई मैं उस पर बना दूँ, मैं बिटकॉइन पे बना दूँ, इसलिए बना दूँ कि मुझे यहाँ से ट्रैफिक मिल जाए। ठीक है, तो मुझको उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर मैं बनाता हूँ ऐसा कंटेंट तो शायद वो रैंक ना हो, क्योंकि ऐसा जो भी गूगल का अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें हैं। तो ऊपर तो उन्होंने सारी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि आप लिंक में जाके देखोगे नीचे, हाउ द अपडेट वर्क्स, वो अपडेट वर्क कैसे करेगा। तो मेनली मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि यार कि एकदम से सारा नहीं होने वाला है, कि अभी आप रातों रात देखोगे सारी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, अलग अलग टूल्स से इसको टेस्ट किया है, तो रातों रात कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। बट हाँ, आप ये कह सकते हो ओवर द टाइम पीरियड इसमें ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब अगर मैं अपनी बात को सम अप करूँ तो ये कहूँगा मोटा मोटा कि यहाँ पे ना दो तरह के लोगों का इफेक्ट होगा। पहले लोग जो ना AI के थ्रू कंटेंट बनाते थे, मतलब AI के जो टूल्स होते हैं ना हम लोग भी जैसे यूज़ करते हैं और पहले भी यूज़ किया है, वो इस हिसाब से बने होते हैं ना कि उसमें सिंपल आप एक हिसाब से SEO को ही मेन ध्यान में रखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने शायद ही कोई ऐसा AI का टूल देखा हो जो ना जो सच में मतलब एक रियल कंटेंट प्रोड्यूस करे, मतलब वो इस पर्पस से ही बनाए जाते हैं कि उसमें किस तरह से आप SEO ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग, ज़्यादा ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कर सको। ठीक है, मतलब सिंपल सा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपने किया है, अगर आप चाह रहे हो कि वो सारा SEO की चीज़ यूज़ करके आप किसी तरीके से कॉन्टेंट रैंक करा दो, वो नहीं चलने वाला है। आपको खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। यहाँ पे उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे कंटेंट राइटर्स जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और वो लिख रहे हैं कंटेंट, हो सकता है उनका कंटेंट रैंक ना हो। तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा हर किसी को कि अगर कोई बंदा है जिसको कंटेंट लिखवाना है, वो उसी से कंटेंट लिखवाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी इनिशियली स्टार्ट किया है कि जो हेल्थ इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स से हम उनको इंटर्नशिप पे रखते हैं और उन्हीं से कंटेंट लिखवाते, तो उनको ना कहीं नॉलेज होती है उस फील्ड की, तो वो कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट रैंक करता है और रैंक करने के लिए चांसेस होते हैं उसके ज़्यादा। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करो, AI के थ्रू भी टूल्स के थ्रू कंटेंट लिख रहे हो तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करो सच में उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो, ना कि वो सिर्फ SEO के ही पर्पस से लिखा गया हो रैंक कराने के। ठीक है, और अगर यूज़र के कंटेंट हेल्पफुल है, इन शॉर्ट भाई यहाँ पे सिंपल सा आ जाता है कि आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर वो कंटेंट लोगों के लिए हेल्पफुल है, हो सकता है 700-800 वर्ड्स का ही है, बहुत छोटा सा है, उसमें आपने अलग अलग इंफोग्राफिक्स डाल दिए, अलग अलग फोटोज वीडियोस कुछ लगा दिए आपने, और सच में वो वैल्यूएबल है, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपने बहुत कीवर्ड स्टफिंग नहीं करी, मेजर कुछ चीज़ें आपने वहाँ पे डाली, क्योंकि गूगल के यहाँ पे कहना है SEO भी करो आप, हेल्पफुल कंटेंट भी रहे, तो आपने बेसिक सा कुछ SEO कर दिया और बेसिक आपने हेल्पफुल कंटेंट बनाया, तो हो सकता है आपका वो भी रैंक करे और इन कंपेरिजन जिसने बहुत सारा SEO किया, बहुत सारा दिमाग लगाया, उससे अच्छा रैंक कर जाए। तो इस कंटेंट, इस सॉरी अपडेट को मैं अगर सम अप करूं, तो सम अप करने पे यही पूरा आता है कि आप ध्यान में रखो कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, जो भी आप अपने वेबसाइट पे दे रहे हो, वो वैल्यूएबल हो और जो भी बंदा उस चीज़ को लिख रहा है उसकी एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस हो उसमें। ठीक है, घूम घुमा के पूरी बात यहीं पे ख़त्म होती है। सो आई होप आपने बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने भी उन वीडियोज़ को देखा है, मैंने भी इस पूरे अपडेट को सम अप करने की कोशिश करी है, तो ऑलमोस्ट सबकी बात सेम ही है, हर कोई एक तरह की बात कर रहा है अपने अपने फॉर्म में, अपने अपने लाइक एक्सपीरियंस के थ्रू उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जो भी बता रहे हैं, मतलब एक सही आपको चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये अपडेट जो आया है इसका आप ध्यान रखो, और अगर SEO कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान में रख के आप करना स्टार्ट कर दो।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स चाहते हैं, गूगल के जो अपडेट्स आते हैं या फिर किसी फेसबुक गूगल कहीं से भी गूगल एड्स के अपडेट आ रहे हैं, मैं आपको शेयर करता रहूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।